बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आई एम मोहम्मद उस्मान अली योर मैथमेटिक्स टीचर स्टूडेंट जैसा कि प्रीवियस लेक्चर से हम डेफिनेट इंटीग्रल को पढ़ते हुए आ रहे हैं आज के लेक्चर में भी हम एक्सरसाइज थ्री पॉइंट सिक्स के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे आइए स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स प्रीवियस ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में आज प्रॉब्लम नंबर ट्वेंटी फोर है वन टू थ्री एक्स स्केयर माइनस टू डिवाइडेड बाय x प्लस वन ये हमारे पास क्या है इम फ्रैक्शन में है, पहले हम इसको किस में करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे जिसको डिवाइड करेंगे क्वेश्चन देखें सॉल्यूशन है हमारे पास इंटीग्रेशन वन टू थ्री एक्स स्केयर माइनस टू डिवाइडेड बाय x प्लस वन डी पहले हम इसको डिवाइड करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एक्स स्केर माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन एक्स से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा एक्स स्केयर एंड प्लस एक्स कांस्टेंट के नीचे हम इसको नहीं लिखेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा यह आएगा माइनस एक्स माइनस टू ये कॉन्स्टेंट एज इट इज आ जाएगा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी माइनस वन से ये आ जाएगा जी माइनस एक्स फिर माइनस वन आ जाएगा प्लस ये चेंज हो जाएगा प्लस माइनस कैंसिल हो गया से बचेगा माइनस वन अब हम इसको लिखेंगे हम इसको पढ़ चुके हैं कई दफा पहले भी दैट इज इक्व टू वन टू थ्री रिमाइंडर क्वेश्चन एक्स माइनस वन प्लस रिमाइंडर माइनस वन डिवाइडेड बाई डिवाइजर एक्स प्लस वन और ब्रैकेट में ये सारा आ जाएगा और साथ आएगा डीएक्स क्लियर अब हम इस पर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे वन टू थ्री एक्स डी एक्स माइनस वन टू थ्री वन प्लस डी एक्स साथ है जिए जिए आ जाएगा फिर प्लस माइनस माइनस आएगा वन टू थ्री वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन एंड साथ आ जाएगा डी एक्स इसे हम लिखेंगे वन टू थ्री एक्स डी एक्स माइनस वन टू थ्री वन डी एक्स फिर माइनस वन टू थ्री एक्स प्लस वन होल पावर माइनस वन और साथ आएगा dx अब देखें जी पावर के नीचे क्या है एक्स प्लस वन है तो एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव क्या है वन साथ गिवन दिया गया है यहां पर भी एक्स का डेरिवेटिव दिया गया है और वन की इंटीग्रेशन एक्स होती है तो आइए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं लास्ट वाला एक्सप्रेशन मैं दोबारा लिख रहा हूं वन टू थ्री एक्स dx माइनस वन टू थ्री वन डीएक्स माइनस वन टू थ्री लिमिट एक्स प्लस वन होल पावर माइनस वन डीएक्स इसकी इंटीग्रेशन आएगी जी एक्स की इंटीग्रेशन पावर में वन ऐड हो जाएगा तो एक्स केयर डिवाइडेड बाय टू और लिमिट हम पुट करेंगे वन टू थ्री माइनस वन की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स लिमिट हम पुट करेंगे वन टू थ्री माइनस ये आ जाएगा लॉग नेचुरल एक्स प्लस वन और लिमिट आ जाएगी वन टू थ्री और यहाँ पे हम साथ मेंशन कर देंगे कि हम किस रिजल्ट के तहत तो इसको लिख रहे हैं हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमें इंटीग्रेशन दी गई हो कोई भी फंक्शन है गिवन दिया गया उसकी पावर है माइनस वन और साथ उसका डेरिवेटिव गिवन दिया गया है डीएक्स तो उसका आंसर आता है लॉग नेचुरल ऑफ फंक्शन प्लस सी इसके अकॉर्डिंग हमने इसको लॉग नेचुरल लिखा है अब हम विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे है अपर लिमिट आएगी जी थ्री का स्केयर माइनस वन का स्केयर माइनस थ्री माइनस वन माइनस लॉग नेचुरल थ्री प्लस वन थ्री प्लस वन माइनस लॉग नेचुरल वन प्लस वन एंड इसके भी हम ब्रैकेट लगा देंगे क्लियर स्टूडेंट दैट इज इक्वल्स टू वन बाय टू थ्री का स्क्वेयर नाइन माइनस वन माइनस थ्री माइनस वन क्या आ जाएगा टू आ जाएगा माइनस ब्रैकेट लॉग नेचुरल फोर माइनस लॉग नेचुरल टू तो लॉग की प्रॉपर्टी है हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लॉग नेचुरल ए ओवर बी इक्वल्स टू लॉग नेचुरल ए माइनस लॉग नेचुरल बी क्या होता है ये लॉग की प्रॉपर्टी है अब ये हमारे पास लॉग नेचुरल ए माइनस लॉग नेचुरल बी दिया गया है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ लॉग नेचुरल ए ओवर बी लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल्स टू एट बाई टू माइनस टू माइनस लॉग नेचुरल फोर बाय टू तो ये आ जाएगा जी फोर माइनस टू माइनस लॉग नेचुरल टू तो आंसर आएगा फोर माइनस टू टू बचेगा तो टू माइनस लॉग नेचुरल टू हमारा आंसर है क्वेश्चन हमने स्टार्ट लिया था इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट है वन टू थ्री एक्स स्केयर माइनस टू एक्स स्केयर माइनस टू डिडेड बाई एक्स प्लस वन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस लॉग नेचुरल टू और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है क्लियर स्टूडेंट्स आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर ट्वेंटी फाइव है टू टू थ्री थ्री एक्स स्केर माइनस टू एक्स प्लस प्लस इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं उससे भी इजी है अगर हम नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लें तो उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है हम उसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे थ्री एक्स केयर माइनस टू एक्स प्लस वन क्योंकि उसने साथ हमें मेंशन नहीं किया कि आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ही करें तो हमारे पास दोनों वेज हैं हम इसको सॉल्व कर सकते हैं डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं टू टू थ्री थ्री एक्स केयर माइनस टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स केयर माइनस वन इंटू डी एक्स डेट इज इक्व टू 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 थ्री थ्री एक्स स्वर माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस वन डी एक्स मैंने इसको रीअरेंज रे कर लिया अब इसका डेरिवेटिव देखिए क्या बनेगा थ्री एक्स स्केयर माइनस टू एक्स प्लस वन बनेगा जो कि न्यूमिनेटर में हमें गिवन दिया गया है तो इसको हम लिखेंगे दैट इज इक्वल्स टू 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 थ्री एक्स क्यूब माइनस एक्स स्यर प्लस एक्स माइनस वन होल पावर माइनस वन एंड साथ आ जाएगा थ्री एक्स एक्सर माइनस टू एक्स प्लस वन एंड डी एक्स तो हम पढ़ चुके हैं डेट इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स होल पावर माइनस वन और अगर इसका फंक्शन का साथ डेरिवेटिव हमें गिवन दिया गया है तो इसका आंसर क्या आता है लॉग नेचुरल एफ ऑफ एक्स प्लस सी इसका आंसर आता है तो इसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा दैट इज इक्व टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस वन लॉग नेचुरल और इसकी लिमिट आ जाएगी टू टू थ्री और ये सारा क्योंकि इसका डेरिवेटिव था तो इंटीग्रेशन में यूज हो चुका है अब हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग नेचुरल थ्री का क्यूब माइनस थ्री का स्केयर प्लस थ्री माइनस वन पहले अपर लिमिट पुट होगी फिर माइनस लोअर लिमिट टू का क्यूब माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू माइनस वन डेट इज इक्व टू लॉग नेचुरल थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन माइनस नाइन प्लस थ्री माइनस वन कितना बचेगा टू बच जाएगा माइनस लॉग नेचुरल टू का क्यूब क्या हो जाएगा एट माइनस टू का स्क्वायर फोर प्लस टू माइनस वन तो प्लस वन बचेगा दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन माइनस नाइन एटीन एटीन प्लस टू ट्वेंटी तो लॉग नेचुरल ट्वेंटी माइनस लॉग नेचुरल एट माइनस फोर फोर प्लस तो लॉग नेचुरल फाइव आ जाएगा अगेन हम वही वाली लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे वी नो डेट लॉग नेचुरल ए ओवर बी इक्वल टू लॉग नेचुरल ए माइनस लॉग नेचुरल बी सो दैट इज इक्वस टू लॉग नेचुरल फाइव बाय ट्वेंटी लॉग नेचुरल सॉरी ट्वेंटी बाय 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 20 बाय 5 कितना होता है 4 5 4 20 तो लॉग नेचुरल 4 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है क्लियर स्टूडेंट्स आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम नंबर 26 0 टू पाई बाय 4 एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos² x dx बहुत इजी क्वेश्चन है सॉल्यूशन देखें 0 टू पाई बाय 4 साइन एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉस केयर एक्स डी एक्स इसको मैं दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ जीरो टू पाई बाय फोर साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस केयर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉस केयर एक्स एंड डी एक्स और इसके ब्रैकेट लगा देते हैं कॉस केयर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉज मल्टीप्लाई बाय कॉस डेट इज इक्वल टू ज़ीरो टू पाए बाय फोर साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोज एक्स और इसको मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय वन ओवर कॉज एक्स माइनस कॉज वन ओवर कॉज क्या होता है सिकेंड तो सिकेंड स्केयर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स डैट इज इक्व टू साइन ओवर कॉज क्या होता है टेन तो जीरो टू पाई बाय फोर टेन एक्स इंटू वन ओवर कॉज सिकेंड एक्स माइनस सिकेंड स्केयर एक्स ब्रेकेट क्लोज और साथ क्या आ जाएगा डीएक्स दोनों तो पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं डेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाय फोर सिकेंड एक्स टेन एक्स डी एक्स माइनस जीरो टू पाई बाय फोर सिकेंड स्केयर एक्स डी एक्स पढ़ चुके हैं हम लोग पेज नंबर वन ट्वेंटी फाइव पे इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंड एक्स टेन एक्स डी एक्स इक्व टू किसके होता है सिकेंड एक्स प्लस सी के एंड इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्केयर एक्स डी एक्स इक्व टू किसके है टेन एक्स प्लस सी के ये दोनों हम पेज नंबर वन ट्वेंटी फाइव पर पढ़ चुके हैं सो डेट इज इक्व टू सिकेंड एक्स जीरो टू पाए बाय फोर माइनस टेन एक्स जीरो टू पाए बाय फोर क्लियर अब हम हाँ अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा सेकंड पाई बाय फोर माइनस सेकंड जीरो फिर माइनस टेन पाई बाय फोर माइनस टेन जीरो सेकंड पाई बाय फोर, फोर के किसका तो वन ओवर स्केयर रूट टू तो, तो ये हो जाएगा स्केयर रूट टू माइनस सेकंड जीरो वन आएगा माइनस टेन पाई बाय फोर वन टेन जीरो जीरो हो जाएगा दैट इज इक्व टू स्केयर रूट टू माइनस वन ये वाला फिर माइनस वन माइनस वन तो आंसर आएगा square root 2, minus 2, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है क्लियर फ्रेंड्स आइए करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर ट्वेंटी एट प्रॉब्लम नंबर ट्वेंटी सेवन आपके लिए होमवर्क है उसको जस्ट अपने रैशनलाइज करना है जब आप उसको रैशनलाइज करेंगे तो वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स की तरह से बन जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स का आंसर आ रहा था स्केरू टू माइनस टू और इसका आंसर आएगा टू माइनस टू सेम टू सेम वही क्वेश्चन है ट्वेंटी एट देखें जीरो टू वन थ्री एक्स डिवाइडेड बाई फोर माइनस थ्री एक्स तो हम कोशिश करते हैं कि इसको फोर माइनस थ्री एक्स बनाते हैं सोल्यूशन जीरो टू वन थ्री एक्स डिवाइडेड बाय फोर माइनस थ्री एक्स स्केयर रूट पहले हम इसको माइनस थ्री एक्स बनाएंगे तो माइनस वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे माइनस वन जीरो टू वन माइनस थ्री एक्स डिवाइडेड बाय फोर माइनस थ्री एक्स सारे का स्केयर रूट और साथ क्या आ जाएगा डी एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस वन से डिवाइड कर दिया एक्चुअली हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बात रहेगी तो ये आ जाएगा माइनस वन ज़ीरो टू वन अब हम फोर ऐड कर रहे हैं फोर माइनस थ्री एक्स एड किया है तो माइनस भी करेंगे डिवाइडेड बाय फोर माइनस थ्री एक्स सारे का स्केयर रूट और साथ क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस ज़ीरो टू वन फोर माइनस थ्री एक्स डिवाइडेड बाय अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ फोर माइनस थ्री एक्स सारे का स्केयर रूट माइनस फोर डिवाइडेड बाय फोर माइनस थ्री एक्स सारे का स्केयर रूट और यहां पे हम लगा देंगे ब्रैकेट और साथ क्या आ जाएगा डीएक्स क्लियर इसे हम सिंप्लीफाई भी करते हैं और इंटीग्रेशन भी दोनों के साथ अप्लाई करते हैं आइए डेट इज इक्वल टू माइनस जीरो टू वन फोर माइनस थ्री एक्स होल पावर वन माइनस वन बाय टू और साथ क्या आ जाएगा डीएक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जीरो टू वन फोर कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा फोर माइनस थ्री एक्स होल पावर क्या हो जाएगी माइनस वन बाय टू और साथ आएगा dx क्लियर डेट इज इक्व टू अगर इसकी माइनस खत्म करना चाहूँ मैं तो इसकी लिमिट को मैं चेंज कर दूंगा वन टू जीरो फोर माइनस थ्री एक्स होल पावर वन बाय टू डी एक्स प्लस फोर जीरो टू वन फोर माइनस थ्री एक्स होल पावर माइनस वन बाय टू डी एक्स पावर के नीचे जो कुछ है उसका डेरिवेटिव क्या है माइनस थ्री है सेम इस तरह से तो माइनस थ्री से मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे अगर हम इसकी लिमिट चेंज करते हैं तो नेगेटिव का साइन आता है तो देखिए मैंने यहाँ पे लिमिट चेंज की तो नेगेटिव का जो साइन आया उसने negative, negative को कर दिया अब मैं इसको थ्री से मल्टीप्लाई और थ्री से डिवाइड कर रहा हूँ लेकिन एक्चुअली मैं इसको माइनस थ्री से मल्टीप्लाई और माइनस थ्री से डिवाइड करूँगा वन ओवर माइनस थ्री वन टू जीरो फोर माइनस थ्री एक्स पावर वन बाय टू माइनस थ्री इसका डेरिवेटिव बन गया डी एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाई माइनस थ्री जीरो टू वन फोर माइनस थ्री एक्स होल पावर माइनस वन बाय टू इंटू माइनस थ्री एंड डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू माइनस वन बाय थ्री वन टू जीरो फोर माइनस थ्री एक्स होल पावर वन बाय टू माइनस थ्री डी एक्स माइनस फोर बाय थ्री जीरो टू वन फोर माइनस थ्री एक्स होल पावर माइनस वन बाय टू माइनस थ्री इंटू डी एक्स अब हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं दैट इज इक्वल्स टू माइनस वन बाय थ्री एज इट इज फोर माइनस थ्री एक्स पावर में वन ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा थ्री बाय टू डिडेड बाय थ्री बाय टू और लिमिट आ जाएगी वन टू जीरो माइनस फोर बाय थ्री जीरो टू वन सॉरी ये आ जाएगी जी फोर माइनस थ्री एक्स पावर में वन ऐड होगा तो बचेगी वन बाय टू डिडेड बाय वन बाय टू और लिमिट आ जाएगी जीरो टू वन क्लियर दैट इज इक्वल्स टू माइनस वन बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय टू बाय थ्री ये डिनोमिनेटर में जो है वो उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर माइनस थ्री एक्स होल पावर थ्री बाय टू और लिमिट आ जाएगी वन टू जीरो वन टू ज़ीरो माइनस फोर बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय टू बाय वन फोर माइनस थ्री एक्स होल पावर वन बाय टू और लिमिट आएगी ज़ीरो टू वन अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं यह आ जाएगा जी माइनस टू बाय नाइन फोर माइनस थ्री एक्स होल पावर थ्री बाय टू वन टू जीरो लिमिट आ गई माइनस फोर टू एट डिवाइडेड बाय थ्री फोर माइनस थ्री एक्स पावर वन बाय टू और लिमिट आ जाएगी जीरो टू वन विद हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे आइए जी स्टूडेंट लास्ट वाला एक एक्सप्रेशन दोबारा लिख रहा हूं माइनस टू बाई नाइन फोर माइनस थ्री एक्स होल पावर थ्री बाय टू लिमिट आएगी वन टू ज़ीरो माइनस एट बाय थ्री फोर माइनस थ्री एक्स होल पावर वन बाय टू आ जाएगी ज़ीरो टू वन पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट माइनस टू बाय नाइन फोर माइनस थ्री एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे जीरो अपर लिमिट आ जाएगी और इसकी पावर हो जाएगी थ्री बाय टू माइनस फोर माइनस थ्री लोअर लिमिट वन पावर आ जाएगी थ्री बाय टू एंड ब्रैकेट क्लोज माइनस एट बाय थ्री ब्रैकेट फोर माइनस थ्री एक्स अपर लिमिट थ्री इंटू एक्स अपर लिमिट आ गई पावर क्या आ जाएगी वन बाय टू माइनस फोर माइनस थ्री लोअर लिमिट क्या है जीरो है पावर वन बाय टू एंड ब्रैकेट क्लोज क्लियर डेट इज इक्वल टू माइनस टू बाय नाइन ब्रैकेट फोर माइनस थ्री इंटू जीरो जीरो हो जाएगा तो यह आ जाएगा फोर पावर थ्री बाय टू माइनस फोर माइनस थ्री वन पावर थ्री बाय टू ब्रैकेट क्लोज माइनस एट बाय थ्री फोर माइनस थ्री तो फोर पावर वन बाय सॉरी फोर माइनस थ्री वन बचेगा वन पावर वन बाय टू माइनस फोर बचेगा फोर पावर वन बाय टू एंड ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी ठीक है इज इक्वल टू माइनस टू बाय नाइन इन इसको मैं लिख सकता हूँ टू का स्केयर एंड होल पावर थ्री बाई टू माइनस ये वन ही रहेगा माइनस एट बाय थ्री ये वन ही रहेगा माइनस इसको भी टू का स्केयर लिख सकते हैं पावर वन बाय टू हो जाएगी क्लियर है पावर से ये कैंसिल हो जाएगा टू तो ये हो जाएगा माइनस टू बाई नाइन इन टू टू का क्यूब माइनस वन माइनस एट बाय थ्री वन माइनस टू एंड ब्रैकेट क्लोज क्योंकि टू से टू कैंसिल हो जाएगा दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस टू बाय नाइन इंटू एट माइनस वन माइनस एट बाय थ्री इंटू माइनस वन माइनस टू बाय नाइन इंटू सेवन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एट बाय थ्री डेट इज इक्व टू माइनस फोरटीन बाय नाइन प्लस एट बाय थ्री डेट इज इक्व टू एल्सियम क्या आ जाएगा जिसका नाइन एल्सीम आएगा माइनस फोर्टीन प्लस थ्री थ्री ज नाइन तो एट थ्री ज़ ट्वेंटी फोर तो बचेगा क्या टेन ओवर नाइन टेन ओवर नाइन हमने स्टार्ट लिया था क्वेश्चन जीरो टू वन थ्री एक्स डिवाइडेड बाय फोर माइनस थ्री एक्स सारे का स्केयर रूट डी एक्स इसका आंसर क्या आ रहा है जी टेन बाय नाइन हमारे पास इसका आंसर आ रहा है और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर थर्टी प्रॉब्लम नंबर ट्वेंटी नाइन आपके लिए होमवर्क है सेम इसी तरह से है जैसे हम प्रॉब्लम नंबर ट्वेंटी करेंगे बहुत ही इजी क्वेश्चन है साइन एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉज एक्स टू प्लस कॉज एक्स डी एक्स क्लियर लेट कर लेते हैं कि वन प्लस कॉज एक्स इक्वल है टी के लेट प्रीवियस क्वेश्चन में आप साइन को लेट कर लेंगे इक्वल्स टू टी प्रीवियस क्वेश्चन में साइन एक्स को लेट करेंगे इसका डेरेवेटिव क्या है कॉज का डेरेवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स क्योंकि वन का डेरेवेटिव जीरो हो जाएगा इंटू डीएक्स इक्व टू डी टी तो साइन एक्स डीएक्स किसके इक्वल होगा साइन एक्स डी एक्स इक्व टू माइनस डी टी के इक्वल होगा और इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर वन अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हम इस सारे एक्सप्रेशन को जो एक्स में हमें दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक uh, फंक्शन के साथ x उसका एंगल है इसको हम चेंज कर रहे हैं टी में तो इसकी हम लिमिट भी चेंज करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेन एक्स इज इक्व टू जीरो एक्स इक्व टू जीरो इसमें हम पुट करेंगे कॉस जीरो क्या आएगा वन इंप्लाइज डेट टी की वैल्यू क्या आ रही है यहां पर जब हम पुट करेंगे तो टी की वैल्यू आ रही है हमारे पास टू ऐसे कॉज जीरो वन तो वन प्लस वन टू हो गया इसी तरह से वेन एक्स इक्व इंप्लाइज डेट टी की वैल्यू क्या आ रही है कॉज पाई बाय टू जीरो होता है तो टी की वैल्यू क्या आ रही है वन यहां पर आप कॉज एक्स को भी लेट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं आपकी मर्जी आप जिससे मर्जी इसको सॉल्व कर लें आपने कॉज एक्स को लेट करके सॉल्व करना है तो कॉज एक्स को लेट करके सॉल्व कर लें यहां पे सिर्फ चेंज क्या आएगा वन कॉज एक्स को हम टी लेट करेंगे तो अब यहाँ पे इसकी सिर्फ लिमिट चेंज होगी और कुछ भी नहीं होगा दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि वन प्लस कॉज एक्स करते हैं तो हम इसको वन प्लस वन प्लस कॉज एक्स लिख सकते हैं इससे अगर आप करते हैं तो वेन टी इज इक्वल्स टू जीरो तो कॉ जीरो क्या होता है वन तो इसकी लिमिट वन आ जाएगी वन एक्स इज इक्स टू फाइव बाई टू कॉज फाइव बाय टू जीरो होता है तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी तो हम इसको लिखेंगे वन टू जीरो हम इसको लिखेंगे हम इसी से इसको सॉल्व कर लेते हैं दैट इज इक्वल्स टू इसमें वैल्यूज पुट करते हैं यह आ जाएगा जी जीरो थी तो क्या आ गई है एंड थी तो लिमिट आ गई है जीरो साइन एक्स डी एक्स इसकी जगह पे हम पुट करेंगे माइनस डी टी माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉज एक्स तो यह आ जाएगा वन प्लस टी एंड इज टू प्लस टी और साथ क्या आ जाएगा डी टी क्योंकि माइनस डी टी आना तो मैंने माइनस वन इधर लगा दिया अब माइनस को हम बाहर निकाल देंगे माइनस वन वन टू जीरो वन डिवाइडेड बाय वन प्लस टी इंटू टू प्लस टी डी टी हम लोग पढ़ चुके हैं डेट ए टू बी एफ ऑफ एक्स लिमिट दी गई हो डी एक्स तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस बी टू ए लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट को अगर हम चेंज कर देते हैं तो बाहर माइनस का साइन आता है तो ये जो माइनस का साइन है इसकी वजह से ये लिमिट क्या बन जाएगी टू ये बनेगी जीरो टू वन वन ओवर वन प्लस टी टू प्लस टी डी टी इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे आइए जी स्ट्रेंड्स हमारा क्वेश्चन बन चुका है जीरो टू वन वन ओवर वन प्लस टी टू प्लस टी डी टी और इसे हम विद दी हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे कंसीडर वन ओवर वन प्लस टी टू प्लस थ्री बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा ए ओवर वन प्लस टी प्लस बी ओवर टू प्लस टी और इसे हम क्या लेंगे इक्वेशन नंबर वन क्लियर पार्सल फ्रैक्शन हम लोग पढ़ के आए हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स मल्टीप्लाई प्लस टी टू प्लस टी या हम कह सकते हैं कि एलसीएम से हम मल्टीप्लाई करेंगे डेट इज इक्व टू वन इक्वल टू ए इंटू टू प्लस टी प्लस बी इंटू वन प्लस टी और इसे हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर टू फर्स्ट वाला जो लीनियर फैक्टर है उसे हम पुट करते हैं इक्वस टू जीरो पुट वन प्लस टीवस टू जीरोक्वस टू ए टू माइनस वन प्लस बी वाला जीरो हो जाएगा टू माइनस वन वन बचेगा वन इक्वस टू ए और ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है क्लियर इसी तरह से दूसरा फैक्टर क्या है जी वो क्या है टू प्लस टी तो पुट पुट टू प्लस टी टीवल टू जीरो टी जीरोक्वेशन टू माइनस टू टू इन इक्वेशन टी की वैल्यू माइनस टू हम इक्वेशन टू में पुट कर रहे हैं आइए इक्वेशन टू क्या बन जाएगी जी वन इक्वल्स टू ए वाला जीरो हो जाएगा प्लस बी इन माइनस टू ये था वन प्लस टी तो वन माइनस टू हो जाएगा वन इक्वल्स टू माइनस वन इंटू बी हो जाएगा तो बी की वैल्यू क्या आ रही है माइनस वन ए और बी की वैल्यू पुट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी पुट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन वन इक्वेशन वन क्या बन जाएगी जी वन ओवर वन प्लस टी टू प्लस टी इज इक्वल टू ए वन आया है वन प्लस टी आ जाएगा माइनस बी माइनस वन आया है यहाँ पे एक्चुअली प्लस था तो ये माइनस वन प्लस माइनस वन आया बी तो ये आ जाएगा टू प्लस टी दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे वन ओवर वन प्लस टी टू प्लस टी डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन वन प्लस टी होल पावर माइनस वन डी टी माइनस ये माइनस इधर बाहर आ जाएगा टू प्लस टी होल पावर माइनस वन और साथ क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा क्लियर है हम लोग पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन ऑफ अगर हमें कोई भी फंक्शन दिया गया है और उसकी पावर माइनस वन दी गई है साथ उस फंक्शन का डेरिवेटिव हमें गिवन दिया गया है और उसकी इंटीग्रेशन पूछी गई है दैट इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल ऑफ द फंक्शन प्लस सी उसकी इंटीग्रेशन होती है अब इसका डेरिवेटिव क्या है वन प्लस टी का वो वन है विद रिस्पेक्ट टू टी यहाँ पे भी वन है तो इसका आंसर आएगा लॉग नेचुरल वन प्लस टी और लिमिट आ जाएगी लिमिट हमने क्या ली थी जी शुरू में हमारे पास लिमिट थी जीरो टू वन हमारे पास लिमिट थी ये भी आ जाएगी जीरो टू वन और ये लिमिट भी जीरो टू वन आ जाएगी जीरो टू वन माइनस इसका आंसर आएगा लॉग नेचुरल टू प्लस टी और लिमिट आएगी जीरो टू वन पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट लॉग नेचुरल वन प्लस वन माइनस लॉग नेचुरल वन प्लस जीरो पहले हमने अपर लिमिट पुट की फिर लोअर लिमिट माइनस लॉग नेचुरल टू प्लस वन टू प्लस वन माइनस लॉग नेचुरल टू प्लस जीरो एंड इसकी भी ब्रैकेट लगा देंगे दैट इज इक्वल्स टू इसको आगे सॉल्व करते हैं इक्वल्स टू लॉग नेचुरल वन प्लस वन क्या आ जाएगा टू आ जाएगा माइनस लॉग नेचुरल वन आएगा ब्रैकेट क्लोज माइनस लॉग नेचुरल थ्री लॉग नेचुरल थ्री माइनस लॉग नेचुरल टू अब हम जानते हैं कि लॉग नेचुरल वन क्या होता है जीरो होता है डेट इज इक्वल टू लॉग नेचुरल टू माइनस लॉग नेचुरल थ्री प्लस लॉग नेचुरल टू आ जाएगा एंड इसे हम लिखेंगे जी वी नो डैट लॉग नेचुरल वन इक्वल्स टू किसके जीरो लॉग नेचुरल टू लॉग नेचुरल टू तो टू टाइम्स है तो इसको हम लिखेंगे डेट इज इक्वल्स टू टू टाइम्स लॉग नेचुरल टू माइनस लॉग नेचुरल थ्री इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी है वी नो डैट लॉग नेचुरल ए पावर बी अगर दिया गया हो तो बी शुरू में आ जाता है लॉग नेचुरल ए इसको हम लिख सकते हैं पावर शुरू में आ जाती है और शुरू में पावर जो आई हुई हो उसे हम पावर बना सकते हैं जैसे मैं लिख सकता हूँ लॉग नेचुरल टू का स्केयर माइनस लॉग नेचुरल थ्री टू का स्केयर क्या हो जाएगा फोर माइनस लॉग नेचुरल थ्री और लॉग की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है वी नो डैट लॉग नेचुरल ए ओवर बी इक्वल्स टू लॉग नेचुरल ए माइनस लॉग नेचुरल बी तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे डेट इज इक्वल टू लॉग नेचुरल फोर ओवर थ्री क्वेश्चन हमने स्टार्ट लिया था इंटीग्रेशन जीरो टू फाइ बाय टू जीरो टू फाई बाय टू साइन एक्स ओवर साइन एक्स ओवर वन प्लस कॉज एक्स टू प्लस कॉज एक्स इंटू डी एक्स इसका आंसर क्या आ रहा है जी लॉग नेचुरल फोर ओवर थ्री क्लियर स्टूडेंट यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज थ्री पॉइंट सिक्स खत्म होती है इसके जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको छुड़वाए हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं आपने खुद से उनको सॉल्व करना है इसके साथ साथ इसकी जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारी की सारी आपके लिए होमवर्क हैं आपने खुद से सॉल्व करनी है स्पेशली पेज नंबर 162 पे जो लास्ट एग्जाम्पल दी गई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में आती है वो बिल्कुल सिंपल है आपको वैल्यूज़ दी गई हैं आपने जस्ट पुट करना है और उसमें कोई भी बात नहीं है क्लियर है आपके लिए होमवर्क है आपने खुद से सॉल्व करनी है आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज